अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात हो रही है जनाब कुछ मसाइल के हवाले से, क्यों ना मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। अवामी मसाइल इतने सारे हैं, जिस तरफ नज़र उठाएं मसाइली मसाइल मौजूद हैं। शहर कराची की बात कर ली जाए, मसाइल का गढ़ बन चुका है। ना चाहते हुए भी बहुत सारे मामलात हैं, मौजूदात हैं जिसकी निशानदेही की जाती है, लेकिन क्या करें, इन मामलात के ऊपर बात करना ज़रूरी है, मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे। और ये बात बार बार दोहराता हूँ, रोज़ाना ही ये बात करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि लोगों की परेशानियों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, लेकिन उनका कोई मदावा करने वाला, उनकी दादरसी करने वाला कोई भी नहीं है। सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें आपस में टकराव, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, सियासी मुहाज़राई, जोड़ तोड़, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर महाज खोल रखे हैं, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। और बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर है कि अवामी मसाइल को इस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या अब नहीं समझते कि इसका कोई रिएक्शन होगा? अवाम अगर सड़कों पर आएंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? वो सब कुछ देख रहे हैं, ये सब जोड़ तोड़ के मनाज़िर विटनेस कर रहे हैं अपनी आँखों से जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह उनके मसाइल को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या इन सब के ऊपर अवामी रिएक्शन नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, देर सवेर होना ज़रूर है, लेकिन उसके बाद फिर मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये बातें इसलिए सुबह के वक्त करनी पड़ती हैं, क्या करें, सुबह के वक्त से ही एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है इतनी मुश्किल हो चुकी है, वो मसाइल शुरू दिन के साथ ही उसके साथ, घर से निकलते ही उसके साथ हो लेते हैं। टूटी हुई सड़कें, घर पे पानी का ना होना, गैस की लोड शेडिंग का हाल देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त हाल है, जगह जगह गैस की बंदिश है। सुबह के वक्त लोग काम पे जाते वक्त वैसे ही रात भर बड़े परेशान, बड़ी तकलीफ़ की हालत में जो है वो रात गुजारते हैं। उसके बाद फिर सुबह के वक्त गैस का ना होना, बग़ैर नाश्ता किए, वैसे कौन सा नाश्ते में कोई इतना इहतमाम करते हैं, रूखी सूखी जो भी होती है वो कर लेते हैं, उसके बाद अगर गैस भी ना हो तो फिर वो क्या करें। यही परेशानी एक आम आदमी की है। CNG पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त तो शहर की सूरत हाल बड़ी तकलीफ़ दे इस वक्त फ़िज़ा पूरे मुल्क में है। जो कुछ मच में वाकया हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उसके ऊपर एहतजाज का सिलसिला पूरे शहर में जारी है, और वो क्वेटा के अंदर जो हज़ारा बरदरी है वो बहुत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए लोग सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। तो वो तकलीफ़ अपनी जगह है, उसका क्या करें, बार बार ये बात बतानी पड़ती है कि लोग परेशान हैं, गमज़दा हैं, कोई दादरसी के लिए नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई मसाइल का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, कौन मसाइल हल करे, क्योंकि मामलात को समझने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। दावे किए जाते हैं, दूसरे दिन मैं देख रहा था ख़बरों में दिखा रहे थे, बात हो रही थी जनाब कराची शहर के हवाले से, और 13 साल तवील हुकूमत करने के बाद ये बताया जा रहा है कि जी अब इस खित्ते की बेहतरी के लिए, जो सूबा सिंध और बेखसूस शहर कराची है जो उसका दारुल खिलाफा समझा जाता है, उसकी बेहतरी के लिए अब इकदाम किए जाएंगे। तो ये ख्याल बिलाखिर अब आ चुका है, और इससे पहले ना जाने कितनी मरतबा ये ख्याल आया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वजह बताने की मेरे ख्याल में अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, अहलियत ना हो, काबिलियत ना हो, विरासत में उहदे मिलते रहें तो नतीजे फिर यही होते हैं, और ना पहले कभी कुछ हुआ, ना अब होगा, और ना आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है। नाहिल शख्स कैसे डिलीवर कर सकता है जिनको मामलात का समझ ही, मामलात के बारे में पता ही ना हो, जो मामलात को समझता ही ना हो, कैसे डिलीवर कर सकता है, कैसे इन सारी चीज़ों को हल कर सकता है? मसाइब ज़्यादा लोग जब तक मसाइल के हल के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक मामलात हल नहीं हो सकते। किसी भी जाविये से देख लीजिए, किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, जो मसाइब ज़्यादा लोग होते हैं, जो इन बसों में सफ़र जिन्होंने किया है, इन सरकारी अस्पतालों में जिन्होंने इलाज करवाया है, उनसे ज़्यादा और कौन मसाइल को समझ सकता है, और शायद वही अहल है जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं। बहरहाल जी, बात बहुत लंबी हो जाएगी, सुबह का वक्त है और मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। मईशत के हवाले से तो खास तौर पर गुफ्तगू रही है, समझने की कोशिश करते हैं कि जो आदाद व शुमार बता रहे थे दूसरे दिन शहबाज भट्टी साहब बैठ के, बड़ी लंबी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला कुछ देर बाद से शुरू हो जाना है, एक के बाद एक माविन जो है वो एक माविनों की जो एक फ़ौज है वो बैठ जाएगी TV पर, फिर आपको बताती रहेगी किसने सबका दौर में क्या क्या किया है और उसके क्या नुकसान हुए हैं, तो इसके ऊपर एक बड़ी लंबी जो है वो स्पीच होगी। बहरहाल अब
हमें बात करनी है मामलात के हवाले से और मईशत के हवाले से, तो गुफ्तगु होती रहती है। आज कुछ मामला जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगु हो रही है। तो बड़े ख़ास मेहमान हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करवा देता हूँ और फिर उनकी जो कोशिशें और किस सिलसिले में वो काम कर रहे हैं, कहाँ अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस पर उनसे जो है वो गुफ्तगु करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान मोहम्मद सलाम सागर साहब, जो कि चेयरमैन हैं सलाम सागर फाउंडेशन के, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सलाम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा हमारे एक और जो मेहमान हैं बजोड़ एजेंसी से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, तहसील खान आपका नाम है और इदारा बालिया खसूसी अफराद के हवाले से काम करते हैं और ख़ुद भी फिज़िकली चैलेंज जो हमारे लोग हैं उनमें शुमार होता है। स्टूडियो तक यहाँ पर हमारे साथ आज पहुँचे हैं, उनको ख़ास तौर पर हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया तहसील खान, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। सलाम सागर साहब, सबसे पहले तो जनाब ये जो मसाइल के हवाले से अभी बात हो रही है, अब मसाइल को हल करने के लिए लोग हुकूमतों की तरफ देखते हैं, लेकिन हाल ये है कि सेहत हो, तालीम हो, सेहत सफाई का मसला हो या कोई भी मसला हो, अलगाज जो ये निजी इदारे तंजीमें, आप जैसे लोग जो हैं मुखलिस लोग जो इस माशरे का दर्द रखते हैं, इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अच्छा, मसाइल मुश्किलात का सामना आपको भी रहता है और आप उसको हल करने के लिए कोशिश करते हैं, क्या हुकूमत के पास जिनके पास असल में वसाइल हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, क्या इन मसाइल को हल नहीं कर सकते, क्या मुश्किलात होती हैं, ज़रा ये समझाएं हमें। यासिर भाई शुक्रिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि आजकल जो हमारी हुकूमतें जैसे जैसे पर्दन पर पर्दन हुकूमतें आती रहती है तो अमूमन इसी में लगी रहती है कि उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा ही है। तो बेसिकली वो काम की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो उसी में उसी का वो टाइम पूरा हो जाता है और फिर जब दूसरी आती है तो उसी तरह। तो हमारी बदकिस्मत ये है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और NGOs और इदारे, बहुत से लोग ऐसे इस पे काम करते रहते, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। बेसिकली हम एजुकेशन तो देते हैं बच्चों को, लेकिन उसमें बेसिकली बच्चा जहाँ से सीखता है ना, वो बेसिकली हमारा घर। बहुत अच्छा। दूसरी ये है कि दूसरी हमारे हम एजुकेशन तो लड़के पे बहुत फोकस करते हैं कि हमारे जो है ना बच्चे पढ़ सके, लेकिन जो हमारे बच्चियाँ है उस पर हम फोकस नहीं करते। तो असली वजह यह है कि जब आपकी आपका माशरा तब तरक्की करेगा, आपका मुल्क तब तरक्की करेगा जब आपके एजुकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा हो। देखा जाए तो यासिर भाई हमारा एजुकेशन जो फोकस है बहुत कम है दूसरे ममालिक के निस्बतन। तो यह है, तो इसको मैं अपने हुकूमतों की समझता हूँ, उनकी तरजीहात में ये शामिल हो तो जाके मसला जो ताकि तब जाके हल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये फरमाइए कि ये सलाम सागर फाउंडेशन बनाने का ख्याल क्यों आया? वैसे मसाइल का एक आपको पता है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, तो ये कोशिश क्यों ख्याल आया दिल में कि सलाम सागर फाउंडेशन एक बनाई जाए और लोगों की खिदमत की जाए? और भी बहुत सारे तरीके हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक NGO बनाना, ये कैसा ख्याल था, इसके पीछे क्या हुआ? जैसे भाई बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाटा से था, एक्स पाटा जो आजकल ज़िला में KP के से, तो हम लोग वहाँ से जो है ना मजदूरी करके, आपने देखा हो कि बहुत से मजदूर लोग हम, तो हमने भी 88 में मतलब हिजरत करके कराची आए, तो अल्लाह ने जब ये मुकाम दिया तो हमने भी मजदूरी देखी, वालिद ने भी देखी। तो ख्याल ये आया कि मैंने जब देखा, मैं अक्सर हॉस्पिटल वगैरह, वालिद साहब बीमार था तो उसके साथ जाता रहता था, तो मैं रोड पे सुबह निकल के बहुत ऐसे लोगों को देखता था, तो ये डिसेबल पर्सन और ये बहुत से लोगों को, तो ये आया ख्याल दिल में कि क्यों ना खिदमत की जाए। बहुत अच्छी बात। तो वही जज्बा 2000 से सोशल वर्कर भी था, तो 2000 से यही जज्बा था और आहिस्ता दोस्तों की मतलब सपोर्टिंग, वालिद साहब की दुआएं, माँ बाप की दुआ यार दोस्तों की, और फिर आपके सामने तहसील खान भाई भी है, डिसेबल पर्सन है, तो हमने फिर ये देखा कि चलो अल्लाह ने हमें यहाँ इतनी सलाहियत और कामयाब कर लिया है, तो क्यों ना हम अपने मुल्क से भी जो है ना काम आ जाओ इन लोगों का। तो तब से मेरे ख्याल में माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है और ये ख्याल यकीनन बहुत सारे लोगों के जहनों में आता है लेकिन कोशिश नहीं कर पाते। कोशिश करें, ज़रूरी तो नहीं है कोई NGO बनाई जाए, लेकिन खिदमत का जज्बा अगर हो तो यकीनन फिर आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तहसील खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, तो ख़ुद भी जैसा भी सलाम सागर ने कहा कि डिसेबल, मैं डिसेबल को किसी और लफ्ज़ में इस्तेमाल मायनों में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे लिए फ़िज़िकली चैलेंज है,
जिसको हम कहते हैं कि माजूर आप समझ लीजिए हैं, लेकिन ये कैसे हुआ ये ज़रा बताइएगा। और कुछ देर पहले हम पोलियो के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि बाजौड़ में ये भी एक बड़ा मसला है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है। तहसील खान ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है। मैंने खुद तो एक्सीडेंट हुआ था, जी मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जी हरामे मगज़ का चोट लगा जी हुआ। जब मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, मैं खुद व्हीलचेयर पे आया, वो मज़ूर हुआ, तो फिर मुझे मेरे पास एक एहसास पैदा हुआ कि माशरे में ऐसे लोगों को कौन सा तकलीफ है, कौन सा मसाइल है। बिल्कुल जब मुझे आया तो मैंने भी लोग बिठाया, सलाम सागर साहब के साथ भी मशवरा किया कि इन लोगों के लिए एक तंजीम बनाना चाहिए। जब मैंने एक तंजीम बनाया और जब मैंने आवाज़ उठाया कि मैं स्पेशल अपराध के लिए काम कर रहा हूँ, तो पहले दफ़ा पे मेरे प्रोग्राम में 7,000 से ऊपर ऊपर लोग आया। जब मैंने वो लोग देखा, किसी का पाँव नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, वो हम लोग गुर्बत के लिए खीरे की नीचे भी ज़िंदगी गुजार रहे, तो मेरे आंखों से आंसू आया। मैंने सागर साहब को बोला कि यार मैंने मेरा एक शॉप था, दुकान था मोबाइल का, मैंने वो भी छोड़ा। मैंने बोला कि सिर्फ ये काम मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी वाह भर इंशाल्लाह। मैंने वाह, अल्लाह के साथ वही दिन पे वादा किया क्या कि बात, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर मैं इन लोगों के लिए खिदमत करूँगा। बहुत बहुत बड़ी बात है तो स्पेशल अपराध का तादाद सारे पाकिस्तान में तो 1,90,00,000 से ऊपर है, जी। फिर भी सारे पाकिस्तान में KPK में स्पेशल अपराध का तादाद ज़्यादा मजदूरों का, और KPK में बाजौड़ का तादाद जो है 13,000 से ऊपर है। ये 13,000 हमारे साथ रजिस्टर है, हमारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास साथ, है सबका रिकॉर्ड जी मौजूद है, उसका ठीक डेटा है हमारे साथ है। ठीक है। सरकार के साथ जो है सोशल वेलफेयर के साथ या स्पेशल पर्सन कार्ड जिसके पास है वो 7,000 से ऊपर है। लेकिन ऐसा हमारा इलाका जो है वो 16-17 लाख आबादी है जिला बाजौड़ का, वो पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर इलाका है, जी तो लोग नहीं आ सकते क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है, गुर्बत भी है, मतलब वो बिल्कुल सही, तकलीफ बहुत ज़्यादा है इन बहुत लोगों ज़्यादा को। है यकीनन। तो ऐसा मेरे ख्याल में 18-20 हज़ार से भी ज़्यादा है इन लोगों का तादाद, अच्छा सिर्फ 13,000 डेटा जो है हमारे साथ मौजूद है इन लोगों का। तो ये बाली का इदारा बनाना, और फिर वहाँ पर तो फिर बहुत सारे लवाजमात तो उसके अंदर होते हैं, फिर रिहैबिलिटेशन के लिए फिर आपको डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, मेडिकल स्टाफ भी हो। फिर अब बजोड़ में मसला ये है कि बुनियादी जो सेहत की सहूलतें हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते, डिस्पेंसरीज नहीं है, दवाई नहीं है, तो ये काम किस तरह हो रहा है ये भी ज़रा समझाइए, क्योंकि लोग तो उससे भी महरूम है बजोड़ में तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं बल्कि असल मैंने पहली भी डी साहब के पास किया, उधर है कुल्ले कचरी था, जी मैंने उसको बोला कि डी साहब मैं जब आपके पास आता हूँ तो आपकी ऑफिस में हमारा रैंप नहीं है, व्हीलचेयर का रैंप हो, स्कूलों में भी नहीं है, कॉलेजों में भी नहीं है, बिल्कुल अस्पतालों असल में भी नहीं है, हत्ता कि इमरजेंसी में भी नहीं है। मैंने बिल्कुल बोला कि जब आप हमारे रैंप का सोच नहीं करते तो फिर शायद मैं आपको, अगर मैं भी अशरफुल मखलूकात हूँ ना, मैं इंसान हूँ, मैं मुझे भी नेशनलिटी मिला हुआ है, बिल्कुल अशनाक सही, अधिकार हो, तो फिर मेरे लिए आपने व्हीलचेयर का रिम क्यों नहीं बनाया। फिर ऐसा ही है, मैं लोग को बोलता हूँ कि मुझे पकड़ो, मुझे उठाओ, मुझे ये करो वो बहुत करो, मुश्किल काम है। तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने बोला कि यार ये तो ये है कि मस्जिदों में भी नहीं है हमारे लिए रिम, बिल्कुल सही, क्योंकि नमाज तो फर्ज है, ऐसा ही हम ऐसा तो ही, मुसलमान है, अल्लाह ताला तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी साफ बिल्कुल करते सही हैं। बात है, बिल्कुल तो फिर डी साहब ने बोला कि इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम तो अभी तक, आपको तो पता है कि एजेंसियाँ था, अल्लाह का गैर था, कानून नहीं था, मलकाई सिस्टम था, एजुकेशन तो बिल्कुल स्पेशल अपराध के लोग सोच भी नहीं सोच करते भी नहीं कि सकते थे, एजुकेशन क्या करते हैं आप लोग, बिल्कुल लोग सही के जिन में यह है कि ये मजदूर है, माशरे पर बोझ है, बोझ है, ऐसे ही इसको मतलब बुनियादी हकूक जो है वो नहीं देना नहीं चाहिए। मिलना तो चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी जगह जगह पे बना रहे हैं, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग खुद चला रहे, और सागर साहब जैसा लोगों का हेल्प हमारे साथ है, व्हीलचेयर देना के वगैरह वगैरह, तो एजुकेशन का, हेल्थ का बिल्कुल तो उधर है नहीं। बिल्कुल सही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है सागर साहब, मसाइल तो बहुत सारे। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो फॉरेन वाइड एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके, वहाँ तो ख़ास तौर पे ये मसाइल बढ़े। अब बजोड़ में रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल है, ये तो तहसील खान के पास रिकॉर्ड अब ये बता रहे हैं कि यकीनन होगा कि कितने लोग हादसात में गए, कितने बेचारे पोलियो की वजह से। ये तो सेहत की सहूलतें पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है, क्या क्या मुश्किलें इसमें आ रही हैं। हाँ ये है कि यासर भाई वहाँ बहुत, अब मिसाल खार हेडक्वार्टर में एक सिविल अस्पताल है, अब ज़िला सलारजई से जब अगर बंदा अस्पताल आए आए तो आए। अपने लिए एक कार जो है ना प्रोवाइड करेगा, हाँ वो पहले शहर जाके एक कार जी प्रोवाइड करेगा, जी फिर जी उसके बाद मरीज़ को उसमें ले जाके, शिफ्ट तो एक पूरा करेगा, दिन का जो है ना प्रोसेस ही ऐसे ही हो गुजरता है। जाएगा। दूसरा, अगर पहाड़ी इलाके की मैं बात करूँ तो पहाड़ी इलाके से मैंने ऐसे देखे मरीज़ों को जो चारपाई में बांध के 4 आदमी को नीचे पहले उतारना पड़ता है, जी जी
फिर उसके बाद जो है ना उसको हेडक्वार्टर अस्पताल वगैरह, और इतने भी पगदान है वहाँ पे कि अस्पताल में बाज़ दफ़ा ये होता है कि भाई इसको पेशावर अस्पताल शिफ्ट कर दो, पहुंचाया जाए तो बिल्कुल। फिर एम्बुलेंस वगैरह का, तो मैं नहीं समझता कि आगे 10-15 साल में भी ये हो सके। अच्छा, आपने तो ज़िले का उसको दे दिया कि चलो ये ज़िला हो गया और केपीके का हिस्सा हो गया, इससे अखबार और बयान से और या एक उसको एक नाम देने से कुछ नहीं होता। मसाइल हल नहीं होते बिल्कुल, तो मैं तो समझता हूँ अभी बहुत हम अभी पीछे बहुत हैं, बहुत पीछे हैं और पीछे बहुत कुछ हैं। होना बाकी है। हाँ बात आपने बिल्कुल हाँ ठीक कही है, क्योंकि तहसील खान से अभी बात हो रही थी। तहसील खान, अब ये मसला है कि पोलियो के केसेस खैबर पख्तूनख्वा से बड़े रिपोर्ट होते हैं, मजदूरी की एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ा चैलेंज एक बन गया। अब वहाँ पर जैसे अभी बात हो रही है कि ज़्यादातर लोग शायद इस बारे में ना जानते हो, लेकिन सड़कें मौजूद नहीं हैं पहाड़ पर रहने वालों के लिए टीम्स वहाँ तक पहुँचना, फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही हसास हैं, वहाँ पर जाकर कैंपेन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो केसेस ज़्यादातर वहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं। उस सिलसिले में क्या काम हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं उस हवाले से पोलियो वर्कर्स को वहाँ तक पहुँचाना, और फिर लोगों को अभी जैसे आप बता रहे थे कि समझाना भी बड़ा मुश्किल है कि पोलियो की दवाई जो है वो करती क्या है, वैक्सीन, ये भी समझाना पड़ता है। जी बिल्कुल जी। हमारा तंजीम जो है उसके अंदर हमारा, मैंने एक टीम बनाया पोलियो के लिए, अच्छा जो खुद माशाल्लाह। पोलियो के शिकार है। वो अवेयरनेस के लिए हम लोग भिजवाते हैं जगह जगह पे, गांव गांव पे, लोगों को बोलते कि मेरा जिंदगी देखो, मैंने पोलियो वैक्सीन से वो जब छोटा था तो मेरे बाप ने इनकार किया, मेरे माँ ने इनकार किया, हाय वही हमारे सूरत हाल है, वही हमारा हाल है, हमारा वही मुस्तकबिल है। तो लोग ये देखते हैं, अभी अलहमदिल्ला अवेयरनेस आए हुई है, अभी अलहमदिल्ला सूरत हाल ठीक है, वैक्सीन वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह, वो केसेस बहुत कम आ रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, बल्कि कम क्योंकि बिल्कुल 1% या 2%, 100% से 1% आ गया। 1% तक आ गया जी सिर्फ अवेयरनेस की वजह से। बड़ा ज़रूरी है जैसे अभी बात हो रही थी कि अवेयरनेस के ऊपर अगर काम किया जाए और अगर मामलात को समझाया जाए तो यकीनन फिर सूरत हाल में बेहतरी आती है, और ये एक बड़ा काम हो गया जैसा अभी तहसील खान बता रहे थे। अब लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ फिर ये कि हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी है, ये हुकूमती नुमाइंदे जो बैठे हैं, चलें लोग देख रहे हैं, उनको भी ज़रा पता चले कि वो क्या काम कर रहे हैं। ये आप जैसे लोग तो पहुंच जाते हैं मुश्किल जगहों पे, तहसील खान साहब अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी दे, ये पहुंच जाते हैं व्हीलचेयर के साथ कहीं भी, तो ये हुकूमती नुमाइंदे क्यों नहीं पहुँचते? मैं अक्सर बात करता हूँ जी बड़ा मुश्किल है उधर जाना, सड़क मौजूद नहीं है, तो किसकी ज़िम्मेदारी है फिर? ये अपना यासर भाई, अगर देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ें लाजमी हुकूमत को देखनी चाहिए। हमारा अगर वहाँ से, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बदकिस्मत ये है कि जब हमारा नुमाइंदा या कोई हुकूमती आदमी हमारे इलाके से आते हैं तो पहले तो वो अपने आप को सेटल करने में ही लगा ऐसा रहता ही है। है मैं ट्रेवल कर रहा था, यानी तेमलगरा से एक जी शहर जी है जी जी बाजौर तक मुझे 1 घंटा लग जाता है, जो कि आधे घंटे का सफ़र भी सफर नहीं। भी नहीं है बिल्कुल, ऐसा ही और है। यकीन करो जब मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चे बोलते हैं, पापा ये लोग कितनी, मतलब ये जाहिर है मेरे बच्चे यहाँ पैदा यहाँ हुए पैदा हैं, हुआ बिल्कुल तो सही मेरे है। बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं, पापा ये लोग तो अभी बहुत दूर हैं। तो ये है कि अभी तो खैर वहाँ का जो है अनवर जेब खान जो वज़ीर भी बना है, अलहमदिल्ला वो अच्छा काम कर रहे हैं, और गुलजफर वगैरह भी, मतलब जो एम एन एम पी एस है, जी। कोशिश तो है, लेकिन मैं बोला ये कोशिश नाकाफ़ी है बहुत ज़्यादा मेरे कहने की उससे, आना ज़रूरत काफ़ी, है। मतलब ये जुदीजहद करना चाहिए। अगर हम लोग इस मसाइल को, इन चीज़ों को अपना समझ के कर लेना यासर भाई, बिल्कुल तो सही, मैं कहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से इंशाल्लाह बहुत आगे अच्छी निकल बात जाए। आपने कही, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको ऑन करने की हाँ ज़रूरत है। तहसील खान, ये अब रिहेबिलिटेशन के लिए तो बड़ा फिर अखराजात भी चाहिए, फिर व्हीलचेयर भी आप दे रहे हैं लोगों को, ये सारी चीज़ें भी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो इसमें तो काफ़ी मुश्किलात होती होंगी। क्या क्या वैसे मुश्किलात और होती हैं, ज़रा ये समझाएं हमें। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वसाइल इतना नहीं है, वसाइल व्हीलचेयर हमारी बाजेवाड़ में 45% लोग जो है वो व्हीलचेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हीलचेयर यूज़र है, मतलब व्हीलचेयर स्पेशल पर्सन, तो 45% लोगों को साल में 10% लोगों को व्हीलचेयर मिलता है ठीक है। सोशल वेलफेयर हाँ। डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोग दूसरे फलाही तंजीमों से मदद मांगते हैं, मतलब सलाम सागर जैसा लोगों से, तो हम लोग प्राइवेट एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमारी बाजूबड़ में इतना डिसेबिलिटी है, इतने स्पेशल लोग हैं, इन लोगों व्हीलचेयर मिलना, इन लोगों की पाव मिलना है, मतलब एक बड़ा सा खुशखबरी मिलना है। ऐसे लोग हमारे साथ भी मौजूद है कि जब हम लोग उसके घर जाऊंगा, उसको व्हीलचेयर दे दूंगा, तो वो कह रहे हैं कि मैं 25-20 साल बाद व्हीलचेयर पर बैठता हूँ और बाहर जाता हूँ घर से, 20-25 साल बीस बाद। पच्चीस साल के बाद, हाँ बाद, ओह तो मैं उधर जब जाऊंगा तो मेरे साथ तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि यार
मतलब ये तो हुकूमत का जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही। इन इन लोगों का डेटा उसके साथ मौजूद है। और मैंने बोला कि बाजीवुड में डिसेबल लोगों का तादाद ज़्यादा है, अगर और जिन लोगों को 30 व्हील चेयर देता है तो शायद उसको 80 और 100 व्हील चेयर देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्योंकि स्पेशल अपराध का तादाद इधर थोड़ा इन ज़्यादा इलाकों में है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम कोशिश कर रहे, कोशिश अभी तक तकरीबन 1800-1900 लोगों को व्हील चेयर दिया। और हमारा एक दूसरा कोशिश भी अभी है कि स्पेशल अपराध के लिए हम लोग रोजगार देते हैं, माशाल्लाह, मेल के लिए और फीमेल के लिए। अच्छा, मेल के लिए हम लोग मैंने एक हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 120 लोग अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जब ये लोग पारे हो जाते हैं, काम सीखता है, तो फिर हम लोग इन लोग को किट भी देता है, सिलाई मशीन वगैरह अपने पाँव पे खड़ा कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर सपोर्ट करते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको जो है रोज़गार भी मुहैया किया जा रहा है, और दूसरा ये कि उनको जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ये एक बड़ा अच्छा ख्याल है। और ऐसे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी अजीम जो है वो खिदमत है। तहसील खान साहब जैसे लोग हैं जो पैरों से माजूर भी, लेकिन उसके बाद ये सारे इस ये चीज़ को समझते हुए जज्बा रखते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ की आपसे कि जो मसाइब ज़्यादा लोग होते हैं, जो मुश्किलात जिन्होंने झेली होती हैं, वही मसाइल और मुश्किलात को हल करना जानते हैं, ये वो समझते हैं कि मामला कैसे हल हो सकता है। तो बहरहाल इसमें और बहुत सारे मुखय्यर हजरात भी जो है वो आगे आ सकते हैं, और ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो फॉरन माइड एरियाज़ हैं उनके अंदर, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सलाम सागर साहब जो है सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। सलाम सागर, अब मसला ये है कि देखिए किस किस शोबे की बात करें, सेहत की बात करें, तालीम की बात करें, तालीम बड़ी ज़रूरी है, फिर ये बच्चे जो वहाँ पर पढ़कर आ रहे हैं, जो काम सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, वो तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो फिर इस सिलसिले में और क्या किया जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं हुनरमंद हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कश हैं, बहुत ज़्यादा सख्त जान है, काम करना जानते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनाई जाए, इस हवाले से क्या किया जा सकता है ये बताएं। यासिर भाई, मैंने इसमें मेरे जो है ना वाइस चेयरमैन सलीम साहब भी था मेरे साथ, KPK टूर कर चुका है। अच्छा। तो हम लोगों ने एक वहाँ पे एक प्रोग्राम, हम लोगों ने भी कि हुकूमत को भी चाहिए कि इन लोगों के लिए छोटे छोटे रोज़गार पर हम करें। हमारा इनकम सपोर्ट एक प्रोग्राम है सलाम सागर फाउंडेशन का, जिसमें हम लोग छोटे कारोबार प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उससे ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये तहसील भाई है वहाँ पे, हम तकरीबन 10-15 लोग अभी इस वक्त कारोबार प्रोवाइड कर चुके हैं, जबरदस्त, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी कमा के दे सके। दूसरी मैंने एक मेरे सलाम सागर फाउंडेशन का एक मिशन है, ये भी है कि जैसे लोग भीख वगैरह मांगते हैं तो मैं इन लोगों को ऊपर लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छी, उसके लिए हमने इस छोटे से स्केल वगैरह का, छोटे से अशिया वगैरह रख के, ताकि वो भीख मांगने से बेहतर है कि छोटे छोटे रोजगार कमाना सीख, वो छोटे छोटे रोजगार करे, और यकीन करो वो लोग खुश है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी उससे ज्यादा कमा रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अगर हुकूमत भी इसी तरफ आगे थोड़े तवज्जो दे कि भाई जो जिसने हुनर, जैसे तहसील भाई ने बताया कि इन लोगों ने छोटे वहाँ पे एक सेंटर बनाया है, जिसको दस्तकारी सिखाना, मोबाइल ट्रेनिंग वगैरह, रिपेयरिंग का देना, बहुत ऐसे लोग मतलब ये है। लेकिन यासिर भाई, मस्ट जो है ना एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन नहीं है तो कुछ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, हमारे देखने वाले भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान जी। जी रियाज खान साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। जी जी, हमारे कराची के या पाकिस्तान के, कि एनजीओ हर आदमी तो एनजीओ नहीं बना सकता, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, लेकिन वेलफेयर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म हो या हुकूमत आपकी हेल्प करे। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक शारे फैसल पे एक एक्सीडेंट हुआ, जो जिसकी रक्षे वाला था, जिसकी डेथ हो गई, जी जी, तो उसके लिए जो है हमने कोई, हमारी कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे 2-4 लड़कों ने मिलकर जो है उसकी जितनी डेड बॉडी का हमने जुड़े भिजवाई को, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई आप जो है हुकूमत आके मदद करे या कोई और, आप अपने मोहल्ले में ही कुछ लोग जो लड़के के अंदर मिलके आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी के भी मदद मसाइल। आप स्कूल अगर आप अपने गिरजनवा में देखें कि कोई बच्चा है जो सब्जी वाला है या कहीं और है, तो उसके पास आप चले जाएं और उसको कहें कि जी आप ये बच्चे का बैग, यूनिफॉर्म,
किताबें हम देंगे, तो बहुत सारे बख़ैर आज़ाद जो आपके गिर्द नवाब में मौजूद है यस जो ये देखना चाहते हैं कि जी मेरा पैसा सही लग रहा है या नहीं, बिल्कुल तो ठीक है, आप लोग ठीक ऐसे गरीबों की शादियां कराएं, जरूरी नहीं है कि आप अपने कहते खुल के सामने आए, कोई मसला नहीं, आप खामोशी से करते रहे, अल्लाह ताला आप आमो नासिर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बरकत देता है, बिल्कुल देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रियाज खान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया रियाज खान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एनजीओ बनाएं, और ख़ासतौर पे ये जो कम्युनिटीज़ फेसबुक के ऊपर बनी हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई हैं, इनको मुतारक करने की ज़रूरत है, वो बच्चे ख़ासतौर पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप्स जो हैं वो बनाएं, और इस तरह जो खैर के काम अपने ज़िम्मे लें ताकि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। यूनिवर्सिटीज़ की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ के लिए बच्चों को ग्रूम किया जाए, उनको समझाया जाए कि माशरे पर उनकी ज़िम्मेदारी क्या है और किस तरह पे बैक करना है उन्होंने। चंद एक यूनिवर्सिटी यकीनन इनके ऊपर काम कर रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मुतारक भी हैं, लेकिन इस चीज़ को अब डेवलप करने की ज़रूरत है, और ये बाकायदा एक आप समझ लें कि एक ऐसा असाइनमेंट लगाया जाए कि हर सेमेस्टर के अंदर आपको बाकायदगी से जो है इसको चेक रखना हो, और फिर मार्क्स की शक्ल में किसी भी सूरत में आप उसको रिवॉर्ड करें। बहरहाल सिस्टमेटिक चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी जी कुछ एनजीओज़ के किरदार के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो फॉरेन वाइड एरियाज़ हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, या सिंध के अंदर हैं, या पंजाब के अंदर हैं, सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। अच्छा, अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि वो काम करें, ख़ासतौर पे जैसे हमारे अभी यहाँ मेहमान मौजूद हैं जो डिसेबल लोग हैं उनकी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी एक चला रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, और इसमें रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मुश्किल इतनी ज़्यादा हैं, और ख़ासतौर पर जैसे अभी बजौड़ के हवाले से बात हो रही थी, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर, सड़कें मौजूद नहीं हैं, और तालीम और जिस शोबे की भी आप बात कर रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, लोगों के जहन साजी पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के जरिए बहाल होंगी, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा, इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। सागर साहब ये फरमाइए, अभी आपने ब्रेक में हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी, ये खैर का काम करना, उसके बारे में सोचना, वसाइल होना भी ज़रूरी हैं। अब आप किसी की अगर खिदमत करने का इरादा रखते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ वसाइल आपके पास होने चाहिए। आपने जब ये काम शुरू किया तो कैसे वसाइल इकट्ठे किए, क्या नियत थी, कैसे मुमकिन हुआ, ये भी ज़रा बताइए। यासिर भाई, जब मैंने काम शुरू किया, इस वक्त मैं जब मैं सोशल वर्कर बना और ये काम शुरू किया तो उस वक्त मेरी 1800 रुपये सैलरी थी। वाह, उस 1800 सैलरी में मैंने ये अहद किया कि क्यों ना मैं एक छोटा सा भलाई काम शुरू कर लूँ और इसको आगे बढ़ाता जाऊँ। तो उसमें 500 में पर मंथ मैं, यानी ये बात यानी कहने नहीं चाहिए लेकिन यह है कि लोगों को समझाने के लिए ताकि वो भी कोशिश कर सके, तो मैं 500 रुपये हर महीने अपने तनख्वाह से निकाल के, उस वक्त 500 बहुत थे, 2000 की बात है, जी 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 सर, बहुत बहुत बड़ी, बिल्कुल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं बोल रहा हूँ कि लोग देखो बोल रहे कि यार 10 का 1 का 10 कैसे होगा और 10 का 100 कैसे होगा, वो मैंने देखा है, क्या कहना आपके सामने आदमी आज बहुत बहुत तो 10 का आगे बढ़ता गया और कारोबार वसी होता गया, और अल्लाह का शुक्र है आज अपना अच्छा खासा कारोबार है, और मैंने यह हद किया कि वक्तन पर वक्तन बढ़ाता गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कारोबार से 10% देता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी इस फलाही तंजीम को। दूसरी यह है मुझे अपने भाई सपोर्ट कर रहे हैं, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, और 5ों का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सेटअप है। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे दोस्त हैं जो हमें मतलब काम करना चाहते हैं और
वो बोल रहे कि ये मतलब आगे करके, मैं अगर कहने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग अगर इरादा करें ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत से काम हुकूमत करे, हम खुद भी कर क्या सकते अच्छी बात है, बिल्कुल सही। तो अगर हम अपने सैलरी से देखा जाए, आपने देखा होगा यासिर भाई कि हम होटलों में जाके कितने पैसे उड़ाए, मतलब मैं उस दिन गया प्रोग्राम में तो तकरीबन 10,000-20,000 में 20,000 का लोग खाना खा जाते हैं एक वक्त। तो अगर उसमें मिसाल 20,000 का अगले की जो है ना जिंदगी बन जाती है, ऐसे ही है ऐसे ही। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इदारा बनाओ या इदारे को देखो, आपस में देखो, हमसाई को देखो। मैं तो कहता हूँ कि अपने भाई से भी पहले हमसाई का हक। बहुत अच्छी बात है, बहुत तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह वक्त होने के और हमें फख्र करना चाहिए जैसा मुल्क आपको कहीं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने की है सलाम, कि ये एहसास होना चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ख्याल होना चाहिए जैसे भी बात हो रही थी हम लोग अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी तस्कीन के लिए हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और फिर भी मुतमईन नहीं है अंदर से, पुरसून कैसे महसूस होता है, ये तो रब भाई लोग लाखों रुपए का इलाज करवा रहे हैं सिर्फ सुनना से करने के लिए, कैसे से मिला यासिर भाई? मैं कहता हूं कि ये आप 1 रुपए लगाओगे ना किसी गरीब का, तो आप यकीन करें जब आप शाम रात को सोओगे ना, आप उस स्कूल की जितनी कोई गोली आपको कान में वरना आ जाए देखा जाए तामीर बुजुर्ग की यार नींद आ जाए। मैं तो कहता हूं मैं रात को जब नींद बिल्कुल पर सुकून सोता हूं, मेरा एक ही चीज है कि मैं रात को सोने से पहले सोचता हूं यार मैंने आज अच्छा काम कितना किया और बुरा किया, अगर ये सब सोचे ना तो यकीन करो कोई भी जो है ना वो नहीं। दूसरी बात ये है कि बातों के ऊपर बात आ जाती है, मैंने केपी का जो रिजल्ट था उस भी गया एक मजदूर से मैंने पूछा देखो क्या क्या नहीं पहनते क्या क्या नहीं देते बच्चों को, ये एक छोटे बच्चे बोले पापा ये चीज तो हम तोड़ के लाते हैं, लेकिन मैंने उस मजदूर से पूछा मैंने बोला भाई आपको क्या चाहिए मतलब क्या मिसाल, तो बोल रहे कि मुझे दुनिया का कोई तमाम कोई चीज भी नहीं, सिर्फ एक दफे दुनिया दे दे। तो यहां से हमारे पास अलग कश्मीर आगे है देखने के लिए आगे सब कुछ है, लेकिन हम आगे नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते कि लोग ये कहेंगे लोग छोड़ दो आखिरत का सोच, बहुत अच्छी बात कि भाई मेरा आखिरत देखो ये दुनिया ज्यादा से ज्यादा आजकल 60-65 मुश्किल से किसी की होगी, वो भी अब वो खत्म हो गया, आप 100 करके देखते हैं तो आपको जवान जवान बच्चे दुनिया से जाते हैं नजर आ रहे हैं, कोई कोरोना में कोई किसी में। मैं कहता हूं कि लोगों को अपनी ज़कात उन लोगों को दो, देखो यहां तो शहर में बहुत से लोग हैं पंजाब में जाओ, ये जरूरी नहीं कि केपीए बाजोड़ का आप मरदान जाओ सवाद जाओ मुख्तलिफ पंजाब में जैसे ऐसे गोट आपको मिलेंगे कराची में भी, सही कराची में, लेकिन ये है कि हम लोग असल में हम लोग काम नहीं कर, अमीर अमीर से होना चाहते हैं कि मैं और अमीर हो जाऊं, नहीं भाई असल में तरजीहात कुछ और हो गई है ना, हम लोगों को नया मोबाइल सेट नई गाड़ी ये हमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, मैं उसको बता रहा हूं बड़ी दलदल बात है, हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव या गोल है ज्यादातर की बात कर रहा हूं, चंद आप लोग जैसे देख रहे हैं बहुत सारे होंगे कि इन सारी चीजों को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन ये है हमारी जो कुल कोशिश और जो रह गई है ना जिसके लिए हम जो पैर मार रहे हैं दो कर रहे हैं वो नया मोबाइल सेट नई गाड़ी नया घर और सिर्फ इसके ऊपर ही सारे काम रहा है और इसी पे सोचते 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 आधी जिंदगी खत्म है और आधी और हो जाएगी, ये सिर्फ कोशिश रहेगी। जी जी पेशेंट बन गया चला भाई, नया भाई आपका मोबाइल छोटा भी काम कर रहा है, आप वही काम कर रहे हैं जितना आपको जरूरत है उतना चीज ले। मैं यकीन करो मैं उस दिन गाड़ी मेरे पास थी तो मैंने बोला बच्चों को मैंने बोला अगला जो नया मॉडल है ले लेंगे वो ले लेंगे, तो यकीन करो मेरे बच्चों का भी अल्लाह ने उतना वो माशा अल्लाह ये गाड़ी काम कर रही है आप खैर क्या अच्छी बात है क्या अच्छी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बेटा है 5 वर्ष का और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटी हूँ भी अच्छी तालीम दे रहा है क्योंकि अब बच्चों का भी हफास लोग उस दिन मेरा एक आदमी नाम साहब था बोले यार बच्चों को पढ़ा मैंने बोला यार बच्ची की आपने वजूद नहीं है नहीं बता रहे लोग के कंसेप्ट वो अवेयरनेस नहीं है कि भाई देखो जब आप अच्छे देखो अगर मिसाल मैं सुबह निकलता हूँ काम पे आप पे जाऊँगा तो शाम को अगर मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है तो घर का सिस्टम तो उसी ने चला है। सही बहुत अच्छी सोच है ऐसा ही है बिल्कुल। मेरे तो यही कोशिश है कि स्क्रीन पे भी बहुत से लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन एज ए मस्ट बहुत
इसको आम करना चाहिए, चाहे वो सरकारी सब्जेक्ट हो या प्राइवेट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ओवरऑल पाकिस्तान। बिल्कुल जी, जैसे खान साहब फरमाइए, अभी एजुकेशन के हवाले से बात की है, अब मसला ये दूर दराज के इलाकों में अभी पसमानदगी है, मामला को अभी समझना शायद उनके लिए इतना आसान ना हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि आकर एक रेश लगी है, हर शख्स हर कौम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, तालीम बगैर मुमकिन हो नहीं पाएगा, इस सिलसिले में क्या कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर? जैसे भी आपने बताया, हमें बड़ी खुशी हुई है आपने खवातीन के लिए भी सेंटर बना दिया, वहाँ पे 120 के करीब खवातीन कुछ हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन हो रहा है, ये जरा समझो। और किसी भी हुकूमत किसी दौर में भी तालीम जो तरजीहात में शामिल नजर नहीं आया, जिसकी वजह से शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ, और जो कुछ होता है वो भी आपके सामने, प्राइवेट स्कूल का जो हाल है वो भी आपके सामने, तालीम को खरीद कर हासिल करनी पड़ रही है। सलाम शागर, अब जैसे आपने बताया तालीम के ऊपर काम करना, फिर आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज आबाद कराची शहर के अंदर भी मसाइल का एक इधर लोग बहुत सारे आते होंगे, अपनी मुश्किल बताते होंगे, तो इंसान का बस तो नहीं चलता कि अगर उसके इख्तियार में हो तो सफाई काम कर ले, बहुत सारी जगहों पर पापा महदूद भी हो जाता है कि वो काम नहीं कर सकता, उस वक्त क्या फीलिंग होती है, कैसे ख्याल आता है कि यार काश इतने मसाइल हो कि इनके मसाइल को लेकर जा सकता है? यासर भाई, जब ये तंजीम बनाई तो मैंने सबसे पहले जो लगा रहा था, बहुत अच्छा, मैंने बोला या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी इतनी औकात है कि मैं सबका जो है ना हेल्प कर लूँ, लेकिन अल्लाह मुझे मेरा जो है ना सपोर्टर और मेरा ना लगता है। तो जब कोई भी चाहे कराची हो चाहे पंजाब, बहुत से लोग आ जाते हैं, जैसे कल भी एक हमारी कराची शहर से बोला है कि आपके पेज पे फेसबुक में मैंने देखा भलाई काम करते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने जब मैंने देखा अपने पंड वगैरह को देखा अपने उसको देखा तो मतलब थोड़ी सी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरे पास इतने वसाइल होते कि मैं हर जो आदमी मुंह से निकालता और उसको पूरा कर सकता, लेकिन मैंने बोला इंशाल्लाह जितने हमसे हो सकते हैं, फिर इसमें भी यासिर भाई हमारे पास दोस्त होते हैं जो हमारे साथ अगर नहीं हो सकता हम अपने दोस्त नजर में होते हैं बताया होता कि आप हमें बता दे, तो मैंने दोस्त को बताया तो उसने बोला इंशाल्लाह हमसे जो हो सके होगा। कहने का मकसद मेरा ये है कि वसाइल इस वक्त हमारे पास भी इतने नहीं है, देखो हुकूमत नहीं कर सकती कि कैसे लेकिन ये अल्लाह चला रहा है निजाम, बस मैं खुद ये सोचता हूं कि निजाम कैसे चल रहा है, बेशक वल्लाह ही सारा अच्छा चल रहा है। अभी जो कोरोना वायरस में खास तौर पे जो कुछ हुआ और ये बड़ी गैर मामूली सूरत है, शायद दुनिया ने ऐसे सारे कभी देखी होगी, लोग सफाया पोश लोग जो जो नौकरियों पे काम करते थे अपना घर बार चलाते थे, नौकरियों से महरूम, खाने पीने तक के जो है वो मामला मुतासर हुए,
वहां तक राशन पहुंचाना ये बड़ी जिम्मेदारी एनजीओ ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, तो आपके पास कितने इस तरह के लोग आए या इतनी कॉल्स आई, कैसे फैसिलिटेट किया, क्या सिलसिला रहा कोरोना में? खास तौर पर यासर भाई, कोरोना में तो जाहिर है बहुत से लोग आपकी बात में बिल्कुल बचाना है कि वो से सुपर पोस्ट वो से कारोबार हमारे कारोबार तक मुतासिर हुआ है। लेकिन उसमें हमने एक स्टेज बनाई, हमने एक नया अमल बनाया दोस्तों से मिल के, सलीम साहब हमारे वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर जाकिरुल्लाह मेरा भाई, लालबर खान जो मेरा भाई है, हमने एक सोच के जैसा तस्वीर वगैरह हमारे यहाँ पे के में प्रोजेक्ट डायरेक्टर है बुलाल खान, उससे हमने बोला यार हम क्या कर सकते हैं ताकि मतलब हर घर को हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसे लोग देखते हैं कि जो मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेड पे हैं, मजदूर तो उसमें हम ये लाया अमल देख किया था कि हमने राशन प्रोवाइड किया, बहुत सी चीज़ें हमने कैमरे के अंदर लेके आया, बहुत सी चीज़ कैमरे के अंदर नहीं लाया। अच्छा मिलने के बाद मेरे फाउंडेशन का खास जो एक चीज है, मैंने कहा कि चीज़ इतना ज्यादा नहीं कर, बात चीज़ें हमारी मजबूरी है, तो कोशिश हमारी यही थी कि हमने ज्यादा चीज़ें ऐसे प्रोवाइड की जिस का मैंने कैमरे लाया, पिक्चर वगैरह, तो हमने राशन बहुत लोगों को प्रोवाइड किया में भी, कराची में भी और भाजोड़ में भी, सवाबी बगदान पुनेर बहुत सी जगह जितना हमसे हो सका यासर भाई हमने अलहमदुलिल्लाह किया, और कैसे मैं बिल्कुल मैंने पहले जो बताया कि मैंने वक्रोधा जी भी एक 6-7-8 कमेटी बनाया है, तो इधर रवाना सफर पर भी देते हैं कराची से सदर में बाहर मल में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ साथ अपने काम के बच्चों की सोच कर रहे, तो वो मुझे बार बार कॉल का आ रहे हैं दुबई से, सऊदी से, बाहर मुल्क से कि यार तसीर खान आप में आप कोई बैठता हो आप ऐसा करो कि लोगों के लिए करो करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ऊपर उम्र खानदान को लोगों ने राशन दिया और तकरीबन 73-74 लोगों को हम लोगों ने महान वितम कर दिया। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसाफर के साथ और सनातन फाउंडेशन की मदद से, तो वो जो हेल्प किया आपने बस के मुताबिक और अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह जिंदगी भर, अगर जिंदगी थी इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और अपने अपने इलाकों में जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, उसके बावजूद कि इनको ये चलने मिलने से जो मजूर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं, दर्द रखते हैं, अपनी कम्युनिटी को पेबैक कर रहे हैं, और इसी तरह हम सबकी जिम्मेदारी है। अब क्या करें क्योंकि वक्त जो है यहाँ पे खत्म हो गया है, बातें बहुत सारी थी, इंशाल्लाह फिर अपने जो मौजूद मेहमान हैं नसीर खान और सलाम सागर, इनको यहाँ पर बुलाएंगे स्टूडियो में, इनको जन्म देंगे और इनसे गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया सलाम सागर, आपने हमें प्रोग्राम में मदद किया, नसीर खान साहब बहुत शुक्रिया, आप इस तरह काम करते रहे, हमारी दुनिया आपके साथ है और जिस तरह ही काम हो रहा है ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, गाँव या में रहने वाले लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह काम करें और डिलीवर करने की कोशिश करें। बहुत कुछ जा सकता है, इसके बारे में फिर एक प्रोग्राम रखेंगे, यूथ खास तौर पे इसमें इंगेज है, शहर कराची में जैसा हमारे कॉलर रियाज खान साहब फरमा रहे थे कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कुछ है। अगर खिदमत का जज्बा है अपने जैसे 2-4 लोग इकट्ठे कीजिए और कोशिश कीजिए कि जहाँ किसी को मुश्किल में देखें, मुसीबत में देखें, अपने तौर से जो कुछ हो सके उसके लिए ज़रूर कीजिए, इसी से इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी में बेहतरी आएगी और बहुत जल्द इसके सम्राट हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, पहला सेगमेंट हमारा खत्म होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।